सुफियान भाई, आप एयरफोर्स में हैं, आर्मी में, और क्रिकेट का जज्बा देखिए, देश के लिए भी लड़ रहे हैं और खुद के लिए भी लड़ रहे हैं। और बढ़िया, हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है, ऐसे क्रिकेटर किशन गंज की सरजमीन पर खेलने के लिए आ रहे हैं और इस सिंधुघाटा के ऐतिहासिक मैदान में इतिहास रचते रचते एक बड़ा इतिहास रचा जाएगा। मैं जानना चाहता हूं सुफियान भाई कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से किशनगंज प्रीमियर लीग हो रहा है और आप यहां खेलने के लिए आए, कैमूर जिला के रहने वाले आप हैं और आप कैमूर से किशनगंज तक का सफर किए और आप यहां आए, आप बताएं कि किशनगंज प्रीमियर लीग आप तो बहुत टूर्नामेंट खेले होंगे, टूर्नामेंट में खेलकर आपको कैसा लग रहा है? खेलते हुए मैं दिल्ली से भी खेला हूँ, गोवा से भी खेला हूँ और अभी सर्विसेज से मैं करंट रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, बट इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का माहौल बहुत कम जगह मिलता है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सुफियान भाई, आज आप टॉस से पहले, टॉस की बात हो रही है, फिर राय बनी कि चलिए जो मेजबान है वही टॉस का कॉल करेंगे और मेहमान टॉस के कॉल को देखेंगे, क्या कहना चाहते हैं? नॉर्मल सा है कि जो भी अगर बाहर से आता है तो पहले उसको ही पोस्ट के लिए मतलब किया जाता है, बट तो अपने जो सामने वाले जो कप्तान थे वो एक्सेस के लिए मैं ही करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है आप ही कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई, उम्मीद है कि इस तरीके का टूर्नामेंट किशनगंज में होता रहे और आप लोगों का सहयोग बना रहे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और देखना है क्या मंगल महरूल का रिकॉर्ड तोड़ता है या मंगल महरूल का रिकॉर्ड यही बना रहेगा। इसके लिए कल तीसरे मुकाबले में जाएंगे किशनगंज पैंथर्स और किशनगंज वॉरियर्स के बीच, पर हम प्राइज सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हेलो, परिचय देते हुए अपने सचिव परवेज आलमपुर को, संयुक्त सचिव वीर रंजन टिपला भाई, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और किशनगंज प्रीमियर लीग के संजय कुमार जैन जी और ताज ऑटोमोबाइल्स के तलहा यूसुफ और अर्जुन चपफी।